मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने बाल महाभारत कथा को शुरू किया है, जिसमें मैं 8 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ। एक साइंस का पार्ट भी किया है मैंने, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 9 चैप्टर। तो ये है हमारा द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडव को शिक्षा दी थी, और एकलव्य जो थे इनको ही गुरु मानकर उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। तो आचार्य जो द्रोण थे वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पूछा जा सकता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो महर्षि भरद्वाज। पांचाल नरेश का पुत्र जो ध्रुपद भी द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। कौन कौन? ध्रुपद और द्रोण, दोनों ही गहरे मित्र थे। दोनों ही गहरे मित्र थे। कभी राजकुमार ध्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं और कह देते हैं, यदि मैं ये बन जाऊँगा तो तुम्हें भी इस तरह का मैं आपको कुछ पारितोषित करूँगा या आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा, तो इस तरह से बोल देते हैं। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। तो किससे क्या था? कृपाचार्य की बहन से। जब मैं कोई भी पॉइंट आपको रिपीट करती हूँ तो ये इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में आपके आ सकता है। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। क्या था? अश्वत्थामा। द्रोण अपने पुत्र और पत्नी दोनों से बड़े प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपने पुत्र व पत्नी के साथ सुख से रह जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो वे भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम जी ने अपनी सारी संपत्ति वितरित कर दी, मतलब सब कुछ बांट चुके थे। वो वन गमन की तैयारी कर रहे थे, वन में जाने के लिए, वन में जाने के लिए। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, पर मेरे जो मतलब परशुराम जी कहते कि मेरे पास तो जो भी कुछ था वह तो मैं बांट चुका हूँ, अब यह मेरा शरीर और धनु विद्या है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पहले क्या होता था कि जो गुरु होते थे, यदि उनके पास कोई कुछ मांगने के लिए आता तो वो कुछ ना कुछ उनको जरूर देते थे। तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण और धनु विद्या की पूरी शिक्षा द्रोणाचार्य जी को दी। कुछ समय के बाद राजकुमार ध्रुपद के पिता का देहावास हो गया, मतलब उनका शरीर छूट गया और ध्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब ध्रुपद के पांचाल नरेश की राजगद्दी पर बैठने की खबर मिली तो वह सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और राजा ध्रुपद से मिलने के लिए पांचाल देश चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में ध्रुपद के लड़कपन मतलब बचपन की बातें याद आई। सोचा कि यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। ये आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा ध्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र ध्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ, मतलब जिन्होंने मतलब शिक्षा एक साथ ग्रहण की थी भरद्वाज आश्रम में। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बहुत बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सव्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित, सज्जनोचित का मतलब होता है कि जैसे सज्जन लोग होते हैं उसके जैसा उचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ, हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र गरीब प्रजाजन, मतलब जो प्रजा के व्यक्ति हैं, की मित्रता कभी हुई है कि उनकी? तो तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, कितनी खराब है। लड़कपन में तो लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम ध्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है क्या? तो वो इस तरह से द्रोणाचार्य जी का अपमान करता है। मित्रता बराबरी के हैसियत वालों में होती है और जो राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। ध्रुपद की इन कठोर गवोक्तियाँ को सुनकर, गवोक्ति मतलब जो वो कह रहा था, जो भी पंक्तियाँ कह रहा था उनके बारे में विचार कर रहा था, द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए और क्रोध में बहुत आए उनको। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमान राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी कि उसे पूरा करके ही चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर को
हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेलने के लिए जा रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर जो पांडव के बड़े पुत्र थे, पांडव में तो युधिष्ठिर थे, उन्होंने उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उन्हें निकलने का उपाय उनको कोई नहीं सूझा। एक कृष्ण वर्ग मतलब काले रंग के जो ब्राह्मण थे मुस्कुराता हुआ चुपचाप ये सब चीज़ देख रहे थे। राजकुमार को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ मतलब कहते हैं ना कि वंडरफुल या फिर अचरज में आश्चर्यजनक चकित करते हुए बोला, राजकुमारों बोलो मैं गेंद निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे। तो द्रोणाचार्य क्या करते थे, उनको तो वहाँ पे आना था, हस्तिनापुर में अपने पैर जमानी थी। तो कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी अच्छी दावत करेंगे, बढ़िया दावत करेंगे। तो कृपाचार्य तो उनके क्या तो उनकी बहन से मतलब उन्होंने शादी की थी। तो वे युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी एक सीख उठाई और पानी में फेंकी, उसको फेंक दिया। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कहीं सीखे उन्होंने कुएं में डाल दे गए। सीखे एक दूसरे के सिर से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने उन्हें पकड़ कर खींच लिया और गेंद निकाल ली। अब राजकुमार आश्चर्य से एक कर्तव्य देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी आप निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी की अपनी नोक में लेते हुए वो ऊपर आ गया। अब द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। वे चमत्कार देखकर राजकुमार को और भी ज़्यादा अचरज हुआ, चंबा हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों ये सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो राजकुमार पितामह के को सारी बात सुनाए और भीष्म ताड़ गए। उनको समझ आ गया कि होने हुए तो सुपर आचार्य द्रोणी होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमार को अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों से पूरी कराई जाएगी। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमार को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या या धनुर्विद्या सीखे। कुछ समय के बाद जब राजकुमारों को शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणानगर में पंचाल राज के द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें तो उनसे बदला लेना था। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोला पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को अपने मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा दिया। फिर और पांचाल की थी क्या थी, द्रौपदी थी, जिनसे जिनको अर्जुन ने कांपे स्वयंवर में जीता था। अब द्रोणाचार्य थे मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आकांक्षा मत करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे और उठे बैठे, पर बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मत में आकर तुम मुझे ही भूल गए और मेरा तुमने अपमान किया। तो आप मैंने तुम्हें कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, मतलब उसने बोला था उस टाइम की मतलब गरीब की अमीर के साथ और राजा की दरिद्र के साथ तो ऐसे मित्रता नहीं हो सकती। तो तुमने कहा था कि राजा ही राजा का मित्र तक कर सकता है, तो इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। तो मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों से ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्हें द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ क्या क्या उनको विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले में घृणा दूर नहीं हुई उनकी। किसी के अपमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा ही कठिन होता है। तो द्रोण ने बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का एक लक्ष्य बन गई। अब क्योंकि उन्होंने क्या किया था,
द्रुपद से लिया था, द्रुपद को क्या क्या हुआ उनसे कि मेरी तो ये अपमानजनकता हुई, तो वो बदला लेने के लिए गया। उसने कई वर्षों तक कठोर व्रत किया, तप किया और कामना किया और एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके। आखिरी में उनकी कामनाएं पूर्ण हुई और दुष्ट दुमन नाम का एक पुत्र और द्रौपदी नाम की कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी दृष्ट दुमन के हाथों मारे गए। तो जब उन्होंने बोला था कि जो मतलब कुरुक्षेत्र में क्या था कि जब एक हाथी था कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य क्या हो गए, एकदम काफ़ी असहाय हो गए थे, तो दुष्ट दुमन ने आकर उनकी गर्दन को काट दिया था। तो उन्होंने अपने पास लाख कगर भीमसेन का शरीर बल अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडव का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका जो मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बनाए थे। कौन कौन थे सलाहकार? शकुनी और कर्ण। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह था काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी काफ़ी अधिक था। दृढ़ निश्चय का मतलब किसी चीज़ को करने की जो शक्ति है वो उसमें उनकी कमी थी और वह किसी बात पर भी टिके नहीं रह सकते थे, स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण ये जानते हुए कि दुर्योधन कुराय गलत रास्ते पर चल रहा है, तब भी उन्होंने उनका साथ दिया। इधर पांडव की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर धृतराष्ट्र ही, युधिष्ठिर ही बैठने वाला है, वही योग्य है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे है, इस कारण उनके छोटे भाई पांडव ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडव के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर आगे धृतराष्ट्र को ही राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे क्योंकि वे काफ़ी सहनशील थे और काफ़ी योग्यवान थे। जौन जो पांडव की लोकप्रियता दिखाई देती गई, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूदने लगा, मतलब वो उसको परेशान करने लग गई। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन ने बोला, पिताजी पूर्ववासी मतलब हस्तिनापुर के जो पब्लिक है, आप हस्तिनापुर के निवासी हैं, वो तरह तरह की बात करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ चली गई। तब अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। तो वे क्या करते हैं, उनको युधिष्ठिर पांडव के प्रति भड़काता है दुर्योधन। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ कहना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता, मतलब धर्म के अनुसार चलता है, गलत रास्ते पर नहीं चलता। सबसे सम्मान स्नेह करता है और अपने पिता के समान एक गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी तो उसे बहुत ही चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है तो सिर्फ पांडव को किसी न किसी बहाने आप वारणावर्त के मेले में भेज दीजिए। वहाँ पे एक मेला लगने वाला था वारणावर्त में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात में से हमारा कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता। क्या था, अपनी बात मनवाना चाहता था, तो इसलिए क्या किया उसने, इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूट नीतिज्ञों को अपने पक्ष में ले लिया। मतलब जो उसके लिए मतलब राज्य के लिए अच्छी नीतियाँ बनाते थे, सीक्रेट नीतियाँ बनाते थे, निजी नीतियाँ बनाते थे, तो उनको अपने पक्ष में ले लिया और बारी बारी में धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडव के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। उनमें से एक कणिक नाम का ब्राह्मण था जो शकुनी का मंत्री था। इसमें धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण प्रमाणों से अपने दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ है, मतलब जिसके पास ऐश्वर्य है उसके साधन है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाएंगे। आप पांडव पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। जो कर्णिक नाम की बातों से धृतराष्ट्र पर विचार कर रहे थे और दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडव को समझाकर
वार्णवर्त भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडव के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते हुए सुनाते रहते थे और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोष को वार्णवत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडव को बहुत ललचाया और कहा कि वार्णवत में एक भारी मेला लगा है होने वाला है, तो उस जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडव को भी वार्णवत जाने की उत्सुकता हुई। फिर यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेते हुए माता कुंती के साथ वार्णवत के लिए रवाना हुए। पांडव के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडव और कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि वो तो छल कपट करना चाहता था। उसने अपने मंत्री पुरोचन ये पूछ सकते कि उसका मंत्री कौन सा था, पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। जो पुरोचन था, दुर्योधन का जो मंत्री था, ये सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। उसने तुरंत वार्णवर्त के लिए रवाना हो गया। वह शीर गामी रथ पर बैठकर, मतलब जो जल्दी जाने वाला रथ है उसको पे बैठकर पुरोचन पांडव से बहुत पहले वार्णवर्त जा पहुँचे। वहाँ जाकर उसने पांडव के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि की जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया जो आसानी से आग पकड़ सके। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर दिया। दुर्योधन की योजना यह भी थी कि कुछ दिनों तक जो पांडव को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निस्संक हो जाए, मतलब उन्हें कोई भी शक न रहे, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो ही जाएंगे और कौरव को भी कोई दोष न लगा सकेंगे। तो ये चैप्टर 10वां कंप्लीट हो चुका है। आगे के चैप्टर में अगले वाले इसमें करवाऊंगी वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।